सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क है। डाटा और सिंपली फैक्ट और फिगर्स। डाटा फैक्ट और फिगर्स पे हो सकता है, जैसे 2+2 जो है हमारे पास डाटा है, 2+2 हमारे पास डाटा है, और जब इनको जमा किया 4 हमारे पास आया, ये क्या है? इन्फॉर्मेशन। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ में, एक यूनिवर्सिटी है उसका देखना चाहते हैं कि 80% से ज़्यादा नंबर बच्चों के, 80% से अबव कितने बच्चे हैं जिनके 80% से अबव नंबर है, आप ये देखना चाहते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, सारे बच्चों के नंबर कलेक्ट करते हैं, सारे बच्चों का डाटा इकट्ठा करते हैं, कितने नंबर हैं बच्चों के। जब उस होल डाटा की परसेंटेज निकालते हैं तो फिर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है। एक इन्फॉर्मेशन आती है, जो इन्फॉर्मेशन निकलती है कि इतने बच्चों के मार्क्स जो हैं 80% से अबव हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी? इन्फॉर्मेशन होगी। जो डाटा से हमने इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल जो होती है ना, इन्फॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है। डाटा मीनिंगफुल नहीं होता, एक छोटी सी फॉर्म में कह सकते हैं कि डाटा मीनिंगफुल है, बहुत छोटी सी फॉर्म में, क्योंकि डाटा से ही तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पर डाटा मीनिंगफुल नहीं होता, इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। और इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा को एनालाइज करके ली जाती है। डाटा एनालाइज क्या होता है? डाटा को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंबाइनिंग की जाती है, उसकी अरेंजिंग की जाती है डाटा की, डाटा को फिर एंड पे समराइज करके उसमें से इंफॉर्मेशन गेन की जाती है। तो डाटा एक ह्यूज वॉल्यूम में होता है। ह्यूज वॉल्यूम कैसे? आपको एग्जाम्पल दिया, आप यूनिवर्सिटी में गए, सारे बच्चों से डाटा लिया, तो आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, और इन्फॉर्मेशन जो उससे से गेन की वो बिल्कुल थोड़ी सी है। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होती है, इन्फॉर्मेशन का वॉल्यूम स्मॉल होता है, डाटे का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और डाटा दोबारा रिप्रोड्यूस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट कैसे? दोबारा बच्चों के पास जाएंगे, अगर डाटा गुम हो गया तो दोबारा इकट्ठा करेंगे, पर इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजीली दोबारा रिप्रोड्यूस की जा सकती है। वो कैसे? डाटा आपके पास है, उसमें से इन्फॉर्मेशन दोबारा आप ईजीली गेन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।